हेलो गाइस, कहते हैं ना कि जिसे जो कुछ पाना है वो कैसे इतनी जल्दी चुप रह सकता है, कैसे इतना शांत हो सकता है। अगर वो शांत हो जाता है तो समझ लो उसका व्यर्थ है। उसने जो सपने देखे थे, जो गोल देखा था, वो झूठा है, वो मतलब कुछ है ही नहीं है। उसने जोश जोश में आके थियोरेटिकल बातें कर दी यार, ये करना है वो करना है, मगर करना कुछ नहीं है। बैठे बैठे बस घर पे निठल्ला, कुछ करना नहीं है, पापा की कमाई पे ऐश करना है। और जिसे कुछ पानी की भूख है वो आज कहाँ से कहाँ। आज मैंने एक इंटरव्यू देखा अनुपम खेर का, जो एक हिंदू कश्मीरी बंदा आज जो एक हिंदू और कश्मीरी बंदा और छोटे से गांव से निकलकर हिंदी मीडियम में पढ़कर आज वो बॉलीवुड तो उसने पूरा सब कुछ कवर कर लिया, मगर आज हॉलीवुड में अपना नाम बसा दिया। और वो हॉलीवुड में वहां पे जाके रेंटल अपार्टमेंट, रेंटल कार, और एक महीना कंप्लीट करने के बाद में वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री उसमें काम करने के बाद में न्यूयॉर्क पहुँच कर एक वीडियो अपलोड किया। बोला कि इफ़ यू हैव अ ड्रीम, अगर आपके पास सपना है, देन यू कैन ऑल्सो अचीव, तुम भी अचीव कर सकते हो। इफ़ यू हैव नॉट एनीथिंग, जस्ट लाइफ इज गोइंग ऑन लाइक ट्रेन, बस, तो सेम तुम्हारे साथ में भी वही होने वाला है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इफ यू हैव बिग ड्रीम, बिग एक्शन प्लान, तो आप जरूर अचीव कर सकते हो। सभी सिचुएशन में यही तो हुआ है, गोल 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 गोल, प्लान प्लान प्लान, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो लोग आज तक इतने बड़े बने हैं, तो क्या कोई वैसे ही बन गया है क्या? मैं जिन लोगों की बातें किया हूँ या मैं जिन लोगों की बातें बताता हूँ कभी कभी, वो लोग ने बहुत मेहनत की है, बहुत। जितना आप सोच रहे होंगे ना कि यार एक दिन किया, दो दिन किया, एक हफ्ते किया, नहीं जी, बहुत मेहनत की है। जो आप सोच नहीं सकते हो ना, उससे ज़्यादा उन्होंने करके देख लिया है। आप अगर कभी कभी आपको ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आपको रोना आता होगा, मेरे साथ में हुआ है, कितनी बार तो मैं सोचता था कि मतलब रोना इतना आता था कि पूछ मत, कि ऐसे ही चलेगी लाइफ क्या, ऐसे ही काटूंगा सारी दिन। फुल डिससेटिस्फैक्शन, मतलब जो काम कर भी रहा होता हूँ मजे से नहीं कर रहा होता था, मजा नहीं आ रहा होता था, मगर फिर बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ मेरे को करना क्या है। मैं यहाँ पे ओमान में आने के बाद में मुझे पता चला कि मैं मेरे अंदर बहुत इन्फिनाइट पावर है, बहुत, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मैं जो सोच सकता हूँ मैं वो बन सकता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। अगर इस दुनिया में कोई भी एक इंसान वो चीज़ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं बात रही पैसे की, अगर कोई एक ऐसा बंदा जो महीने के 50,000 60,000 लाख इतना कमा रहा होगा, तो मैं भी कमा सकता हूँ, वो दिन दूर नहीं है। बस उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे डेडिकेशन से लगे रहना पड़ेगा, उसके लिए मुझे नॉलेज गेन करना पड़ेगा, जहाँ से जो उस फील्ड में वो एक्सपीरियंस कर चुका है उसके पीछे मुझे जाना पड़ेगा कि उसने उस चीज़ को किस तरह से पाया। ऐसे ही नहीं बन जाऊंगा कि हाँ 2.5 लाख मिल रहा है उसको और मेरे को तो 20,000 मिल रहे, 30,000 मिल रहे, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये सब सारे एक्सक्यूजेस है, कुछ भी, कोई भी कितना कमा रहा है, उसकी जितनी बड़ी सोच होगी वो उतना ही कमा रहा होगा। अगर आप अपने आप को जिस दिन लर्न करना, ग्रो करना सीख गए ना, तो समझ लेना कि तुम्हारे पीछे सबकी लाइन लग जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे, नहीं चाहिए भाई बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा बोलोगे एक दिन। मगर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं नेम फेम मनी जल्दी मिल जाती है सबको, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है किसी में भी। हाँ एक आध दो किसी को लॉटरी लग गई होगी तो बात अलग है,
इसकी नसीब अच्छी होगी। अगर आप लोग सोचते हैं कि मेरी नसीब ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरें ही नहीं काम करती, तो मैं क्यों नहीं अपनी हाथ की लकीरों को बदल सकता हूँ हार्डवर्क के जरिए, उस मेहनत के जरिए। मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, ढूंढो निकालो रास्ता, कहीं ना कहीं तो वे होगा। सच बताऊँ, पहले मेरी मॉम मुझे बोलती थी कि क्यों इंटरनेट, क्यों बड़ा मोबाइल लेगा, क्या काम है, मत ले, मत यूज़ करो। मम्मी को भी समझाना भी नहीं, मतलब उस समय भी मेरी भी मतलब कि हाँ क्या करता मोबाइल, तो जब इंटरनेट होता तो खाली पिक्चर ही डाउनलोड करता, पिक्चर ही डाउनलोड करके मूवीज़ देखता खाली। तो मम्मी बोलती है तू पूरा पैसा वेस्ट कर रहा है, तू कुछ काम तो नहीं है। मगर मेरे को है ना इंटरनेट के मतलब फ़ायदे नहीं मालूम थे, नुकसान ही मतलब नुकसान मालूम थे, मीन्स वो मेरे लिए फ़ायदा लगता था, वो नुकसान था कि मैं मूवीज़ डाउनलोड करके खाली मूवीज़ देखना, गॉसिप करना विद फ्रेंड लोग के साथ में, चैटिंग करना जिसको मैं जानता तक नहीं, और फेसबुक पे लड़कियां ढूंढना, लड़कियां मीन्स लड़के भी ढूंढता था, लड़कियां मीन्स गर्ल्स को अपनी ज़्यादा फ्रेंड लिस्ट में शामिल करना और उनसे चैटिंग करना। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं जितना मेहनत और जितना कोशिश मैं इन सब के चक्कर में कर रहा हूँ, अगर मैं जो मेरे को आज तीन इतने एज ऑफ 23 का होऊंगा, मैं एज ऑफ 23 में मेरे को पता चला है कि आई एम गुड इनफ टू इन दिस वर्क जो मैं अभी कर रहा हूँ, आपके साथ में बातें कर रहा हूँ, मेरे को उसमें इंटरेस्टेड है, तो मैं अपना पूरा फोकस अगर मैं इसमें लगा तो मैं क्या से क्या होऊंगा, चाहे मुझे कितना भी फेलियर मिले लाइफ में। तब सच तब यही से स्टार्ट हुई कि हाँ अब यही करना है, अच्छे से करना है। फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं जिम में एक्सरसाइज करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस होगा, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप फिट नहीं होगे ना अपने बॉडी से, तो आपका माइंड बिल्कुल काम नहीं करेगा, एकदम जैसे बंद ताला, किस तरह बंद रहता है ना सेम वैसे ही होगा, उसे की नहीं मिलेगी खुलने के लिए। तो आपकी जब तक फिजिकल फिट नहीं होगे तो मेंटल फिट कैसे रख सकते हो कि मैं मेंटल फिट रहूँगा। भाई फिजिकल फिट रहिए, उसमें आपकी भलाई है, अपना डाइट प्लान अच्छा रखिए और सोचिए कहीं ना कहीं अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ बन सकता हूँ, मेरे को जो लाइफ मिली मैं वो इसमें नहीं गुजारनी है, मैं और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मुझे मेरे टाइम ही तो देना है, तो मैं दूंगा ना उस चीज़ को पाने के लिए जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। सो के गॉसिप करके किसका भला हुआ है, जरा कितने भी जो लोग आज के टाइम पे सक्सेसफुल हैं, जरा उनकी उनकी बायोग्राफी आप एक बार जाके देखना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ऐसे ही नहीं टाइम गुजार दिए गॉसिप करके, न्यूज़पेपर पढ़ के या फिर कुछ मूवीज़ देख के। पता है जो अपने खुद के मैंने मेरी छोटी सी रिसर्च होगी, जो मूवीज़ जो बॉलीवुड की मूवी बनती है, स्टार अपनी मूवी खुद नहीं देखते और दूसरों की मूवी देखना पसंद करते हैं। सोचिए आप भी कुछ भी बन सकते हैं यार, जो आप सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं, तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके, आई एम विथ यू गाइस। और अपने आप को पॉजिटिविटी से घेरे रखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो लाइक नहीं तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे मुझे ना पता चलेगा कि यार तुमको पसंद नहीं आ रही है और पसंद आ रही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।